Good morning, my dear student of classes. आज यूनिट 2 के अंतर्गत एक्सरसाइज 2.2 में हम पढ़ेंगे फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ दैट। फैक्टर एक संख्या होता है जो किसी भी संख्या का वास्तविक विभाजक होता है, यानी उससे पूर्णतः डिवाइजेबल होता है और पूर्ण रूप से भाग लग जाता है। उदाहरण के तौर पर 15 ले लो, तो 15 वन हर नंबर का फैक्टर होता है। इसलिए इसको नहीं लिखते हैं, हम लिख दिए हैं आपको समझाने के लिए। तो 15 किसे 1 से डिवाइजेबल है, 3 से है, 5 से है और अपने आप से है। इटसेल्फ नंबर इटसेल्फ भी उसका फैक्टर होता है। तो यह 1, 3, 5। एक दूसरा एग्जाम्पल में मान ले दूसरा एक नंबर लेते हैं 16, तो किससे किससे डिवाइजेबल है? तो 1 तो हर का फैक्टर होता है, तो 2, 4, 8, 16। अब एक 24 में तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, यानी इतने डिजिट्स या डिवाइजेबल है या इसका एग्जैक्ट डिवीजर है। तो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं ए फैक्टर इज द एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ ए नंबर। फैक्टर क्या है? तो किसी नंबर का वास्तविक विभाजक है, वास्तविक भाजक है, डिवीजर है, तो यही फैक्टर है। उसके बाद अब आगे डिफिशियंट नंबर, यह आपके लिए नया है, आपने आज तक पढ़ा है इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, यहाँ तक आप लोग पढ़े होंगे। आज डिफिशियंट नंबर है। तो डिफिशियंट नंबर, ए नंबर इज कॉल्ड डिफिशियंट। एक नंबर को डिफिशियंट तब कहा जाता है इफ द सम ऑफ ऑल इज पॉसिबल फैक्टर, अगर उसके संभावित सभी फैक्टर को जोड़ने पर इंक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, और उसके साथ उस नंबर को जोड़ने पर इज लेस देन ट्वाइस द नंबर, वो सब को उसके सभी फैक्टर को जोड़ने के बाद उस नंबर को दोगुना करें और उससे अगर इसका फैक्टर को जोड़ने के बाद कम आता है तो वह डिफिशियंट नंबर का। एग्जाम्पल के तौर पर 36 को लीजिए, तो इतने सारे इसके फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 18 है, 36। इस सब को हम ऐड करते हैं तो 91 आ रहा है। और इस नंबर को ट्वाइस टाइम एंड दो बार दुगुना करते हैं तो यह हमारा 72 आया। यह नो, यह डिफिशियंट नंबर नहीं है, क्योंकि इसका सम सभी फैक्टर का सम इसके संख्या को यानी नंबर को दुगुना करने पर उससे यह ज्यादा आता है, ग्रेटर आता है, लेस नहीं आता है। यह आपका डिफिशियंट नंबर नहीं। एक दूसरा उदाहरण देखें, मान लेते हैं एक नंबर लेते हैं 9, इसके सभी पॉसिबल फैक्टर को लिखते हैं तो 1 से 3, 9, इसके अलावा तो कोई इसका फैक्टर है नहीं। इस सबको एड करें तो 1 + 3 + 9 तो कितना हो गया 30। लेकिन इस नंबर को दुगुना करेंगे तो 9 × 18, यानी यह सभी सम जो आए ऑल पॉसिबल फैक्टर का सम 13 आया, लेकिन नंबर को जब ट्वाइस टाइम करते हैं तो यह 18 आया, यानी यह नंबर से इसका सम लेस है, कम है, तो यह क्या कहलाएगा? यह डिफिशियंट नंबर कहलाएगा। अब सेकेंड नंबर है एविडेंट नंबर। ए नंबर इज कॉल्ड एविडेंट
If the sum of all its factor, including the number, is greater than twice the number. अगर किसी संख्या का तो तब एविडेंट कहा जाएगा कि उसके जितने भी फैक्टर हैं सब को जोड़ने पर तथा उस संख्या को दुगुना करने पर या फैक्टर का सम ज्यादा आवे ग्रेटर आवे अधिक आवे तब एविडेंट नंबर चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक नंबर लेते हैं 24, इसके सभी फैक्टर लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 by 20 इतने इसके पॉसिबल फैक्टर और इन सब द सम ऑफ फैक्टर्स की सभी को जोड़ दिए 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 29, 36 सबको जोड़ दिए तो 65। अब नंबर को ट्वाइस करें यानी दुगुना करें तो 24 × 2 = 48 तो यार ट्वाइस करने पर नंबर को दुगुना करने पर इसका सम इससे अधिक आ रहा है तो यह क्या कहलाएगा एविडेंट। अब इसके बाद एक परफेक्ट नंबर केवल यही चेंज कर देना है पर a number is called perfect if the sum of all its factor including the number is equal to the twice the number yani waisi sankhya jiske sabhi factor ko jodne par aur number us sankhya ko dugna karne par dono barabar ho jaye usko hum kya kahenge perfect number kahenge। udaharan ke taur par एक संख्या ले लीजिए 6, तो 6 लिखिए तो 6 क्या कौन कौन फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6 ये कितना हो जाए 1 + 2 + 3 + 4 नहीं होता लिखा गया है तो सबको जोड़े 1, 2, 3, 3, 6, 8, 6 नंबर को दुगुना किए 6 × 2 ये भी 12 आया यानी सब भी 12 आया और नंबर को ट्वाइस एंड टू टाइम्स अधिक करते हैं तो यह भी 12 आया दोनों बराबर आया तो इसको हम परफेक्ट नंबर कहें। इसके अलावा इस पर एक्सरसाइज है आप बनाएंगे 2.2 2.2 2.2